तो रावण मार्च के हवाले से गुजरांवाला में सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा है। सियालकोट रोड पर मतवालों और खिलाड़ियों ने फ्री स्टाइल रेसलिंग के दौरान एक दूसरे पर घूसों, मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आए और सियासी पारा हाई हो गया, जिसके बाद गुत्थम गुत्था हो गए। हाथापाई होते रही सियालकोट रोड पर यह वाकया देखने को आया है। सीनियर रिपोर्टर तनवीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। तनवीर, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला हुआ था, बीच बचाव किस तरह से हुआ? ये बिल्कुल, जब से ये रावण मार्च की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से पीटीए की तरफ जारी है, तो पहले तो दोनों ग्रुप जो थे, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, ये बिल्कुल अपनी तैयारियां कर रहे थे, हम जाएंगे, दूसरे कह रहे थे हम जाने नहीं देंगे, रास्ता रोकेंगे। इसके बाद बिल्कुल पारा जो है एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया, दोनों ग्रुपों ने कोई ऐसी बात नहीं किया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये दो ग्रुप थे, पीटीए और नून लीग के, ये आपस में स्टेडियम के करीब सियासी बहस के दौरान उलझ पड़े और उलझने के बाद इन्होंने एक दूसरे पे थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। और वहां पे जो शहरी थे ये बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं लेते, शहरी इकट्ठे हो गए, जिन्होंने बिल्कुल दोनों को समझाया, समझा बुझा के दोनों की लड़ाई छुआई और ये दोनों ग्रुप जो है वो अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तनवीर भट्ट, इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे।